भवांतर योजना में व्यापारी महीनों से बिका बिकाया माल बेच रहे थे, 7 लाख रुपए रोज कमा रहे थे। वही आज व्यापारी पकड़ में आए हैं। खबर नरसिंहपुर से है। सरकार भले ही यह मानकर चल रही हो कि प्रदेश में किसानों के उपज के उचित दाम के लिए लागू की गई भवांतर भुगतान योजना से किसानों को लाभ मिल रहा है और कुछ हद तक प्राकृतिक आपदा और अन्य कारणों से हुई परेशानी से उन्हें काफी राहत मिल रही है, लेकिन इस योजना से किसानों के साथ साथ व्यापारी वर्ग में भी खुशी की लहर। सूत्रों की माने तो भवांतर भुगतान के जरिए किसानों और व्यापारियों के बीच आपस में व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत हैं और इसकी वानगी पूर्व में समर्थन मूल्य पर की गई किसी भी उपज की खरीद के दौरान देखने को नहीं मिली। माल को दोबारा से ढेर लाने को व्यापारी ने कहा था कि गोपाल जाटव हिमल से कहा गया था, पर हिमल व्यापारी का नाम बताने से कतरा रहे हैं, जिसकी FIR भी प्रबंधन ने की है। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार जिले भर में की जा रही उड़द की खरीद में शुरुआती दौर में उड़द के दामों को लेकर किसानों की नाराजगी कहीं कहीं सामने आई थी और फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो गया और जिले की मंडियों में उड़द सहित अन्य उपज जो भवांतर योजना के तहत सूची में है उसकी खरीदी किसानों और व्यापारियों के बीच शांतिपूर्वक ढंग से चल रही है। किसानों को अब अपनी उपज को तुलवाने की पहले की तरह जल्दबाजी भी नहीं है। किसानों और व्यापारियों के आपसी संबंधों के बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गाडरवारा का एक मामला भी सामने आया है, जिसमें लगभग 135 क्विंटल 65 किलो उड़द को भावांतर योजना के तहत दोबारा बेचे जाने का प्रयास असफल कर दिया गया है। सर, क्या मामला था जो उड़द वाला जो भावांतर के अंतर्गत बेचा जा रहा था दोबारा से व्यापारियों द्वारा? मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया और औचक निरीक्षण के समय प्रातः 6 बजे गोपाल जाटव हमाल द्वारा माल काटा जा रहा था, जिससे पूछताछ की गई, जिसमें उसने यह बताया कि व्यापारी की अनुमति से ही माल काटा जा रहा है। व्यापारी का कुछ पता चला क्या? इसमें उसने व्यापारी का नाम नहीं बताया और जब ज़्यादा पूछताछ और उसको पकड़ तो उसने यही बताया कि मेरे को व्यापारी ने ही बोला है और क्योंकि इसका और बाकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, उनका बिना अनुमति के आपके द्वारा कैसे काटा जा रहा है। सर, क्या मामला था मंडी में, कितना उड़द व्यापारियों द्वारा बेचा जा रहा था? मंडी प्रबंधन द्वारा सूचना मिली थी जी कि मंडी की सेट क्रमांक 2 में कुछ माल रखा है जिसका कोई मालिक नहीं मिल रहा, उसके संबंध में जांच की गई थी, मौके पे गया ना हुआ, कोई कृषक मिला ना कोई व्यापारी मिला। शिकायत प्राप्त हुई थी मंडी से कि व्यापारी को माल है जो भावांतर के तहत दोबारा बेचने की कोशिश की जा रही है। अभी तक कोई व्यापारी का नाम उजागर? अभी तक किसी ने कोई क्लेम अपना नहीं दिया है, ना ही कोई उसका कागज लेके आए हैं। तो मंडी प्रबंधन को इसमें निर्देश दिए गए कि जो भी उड़द फसल के ढेर लगे हैं उनको जब्त कर अपने अंदर में लिया जाए, जो क्लेम करता है उसकी विधिवत जांच की जाए। क्या पहले से भी ऐसा कुछ चल रहा है कि दोबारा से माल बेचा जा रहा होगा? पहले से शिकायत तो नहीं मिली है, कल शिकायत मिली थी मंडी सचिव द्वारा, बताया गया कि सुबह 6-7 बजे से ढेर लगे हैं, इसका मालिक कोई नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कई बार बिका हो माल और इस बार जांच में आ गया हो? ये जांच का विषय है, देखना पड़ेगा मंडी के जो रिकॉर्ड देखा जाएगा कि वास्तव में किसान कौन है, किसके द्वारा बेचा गया है, सही है कि गलत है।